हेलो, वेलकम टू माय चैनल पिंकी रानी की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्लैट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं मटर, गाजर, आलू की मिक्स सब्जी बनाने जा रही हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ डालूंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो बने रहिए और मेरी वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाइए और प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ आप। तो फ्रेंड्स, हमने मिक्स सब्जी बनाने के लिए ये गाजर है हमारी जो हमने लिए, ये है मटर, साथ ही लिए ये आलू और ये लहसुन प्याज है। लहसुन प्याज के साथ मैंने अदरक का पेस्ट भी ले लिया, अदरक ले लिया क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, अदरक गर्म होती है और हमारे लिए अच्छी है, ये स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छी होती है, इससे सर्दी जल्दी नहीं होती। तो मैं तो हर एक सब्ज़ी जो भी बनाती हूँ, चाय भी मैं अदरक तो पड़ती है सब्ज़ी में भी, सारी जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें अदरक डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए आगे हम और क्या करने वाले हैं। तो हमने कढ़ाई लिए, पहले से ही आग मतलब चूल्हा जला दिया है गैस। अब इसमें हम तेल डालेंगे, छौंके के लिए मैंने ये खड़े मसाले होते हैं, लौंग है, ये इलायची, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम इसी में डाल देंगे। गैस थोड़ी तेज कर देते हैं। साथ ही तब तक हमारा ये तेल हो ही रहा है गरम, तब तक हमें मिली लिया, हमने जो डालते हैं नॉर्मली है मसाला जो तैयार करते हैं, हल्दी डाल लेंगे, साथ ही ये पिसा धनिया है इसे डाल लेंगे। तो इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। साथ ही ये लाल मिर्च, साथ ही हमारा तेल तैयार हो गया है बिल्कुल, छौंका रेडी है और हम इसको छौंक देंगे। कुछ देर के लिए इसे हम ढक देंगे ताकि जो हमारा तेल हमने इसमें डाला था वो तेल पूरी तरह से इस मसाले से ऊपर आ जाए और हमें लगे कि ये तेल पूरी तरह से ऊपर आने लगा है, तो ये हमारा मसाला पूरी तरह फ्राई हो चुका है। बस इसलिए थोड़ी सी देर, 5 मिनट उसको ढक देंगे हम कुछ इस तरह। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमारा ये तेल ऊपर आ चुका है या नहीं। देखिए हमारा मसाला पूरी तरह फ्राई हो चुका है, ये तेल बिल्कुल ऊपर आने लगा मसाले के। इसमें हम डाल देंगे ये तेजपात के पत्ते भून लिए, साथ ही ये गाजर ये डाल देंगे। साथ ही ये मटर है,
साथ ही आलू भी डाल देंगे हम, इन्हें भी डाल के मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमें ये सब्ज़ी सूखी सूखी बनानी है, जो चावल की रोटी या फिर चीले से खानी है, इसलिए हमें सूखी सूखी सब्ज़ी रखेंगे, इसमें ग्रेवी नहीं रखेंगे। तो बस अब इसको हम बंद कर देंगे, किसी बर्तन से ढक देंगे ताकि ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाए। हम देख लेंगे कि हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, ये बनके हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई रेडी। और हम इसमें डाल देंगे धनिए, जो हमने हरे धनिया काट के डाले ये हम डाल देंगे इसमें। साथ ही हमने लिया ये चावल का आटा, तो देखिए चावल का आटा लिया। अब हम इससे चीले जो है या चावल की रोटी, इसी से बनाई जाती है चावल के आटा से ही। तो अब हम चीले बनाने के लिए इसे तैयार कर लेंगे घोल, इसका पानी डाल के। तो हमारा घोल फ्रेंड्स बनके तैयारी हो गया। अब हम चीले बनाएंगे, देखो किस तरह से हम चीले बनाते हैं। उससे हमने तवा ये पहले से ही गैस पर चला दिया था ताकि ये गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स पहला पे जो चीला हमने डाला था वो हमारा रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा पहला चीला बिल्कुल सिक्के तैयार हो गया बनके, कुछ इस तरह से। ये देखिए हम दूसरा जो चीला है वो बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कि हमारी मिक्स सब्जी मटर आलू गाजर की बिल्कुल तैयार रेडी है, और साथ में ये चीले जो चावल की आटा की बनाए हमने। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने बनाए हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए ताकि जो शेयर करोगे आप तो आगे तक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए और पूरी मेरे वीडियो को देख के ही जाया करना आप। तो बस आज की फ्रेंड्स वीडियो इतनी ही।